देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। प्रदेश के मथुरा पुलिस ने खुफिया विभाग के सहयोग से राज्य की भर्ती परीक्षाओं में मुन्ना भाइयों के सहारे अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने वाले गैंग का पर्दाफाश कर बीते रविवार को गिरोह के आधा दर्जन सदस्यों को लखनऊ के अमीनाबाद इंटर कॉलेज से गिरफ्तार किया है। इन सभी की तलाशी लेने पर परीक्षाओं के फर्जी प्रवेश पत्र, फर्जी आधार कार्ड, 2 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन, 90,000 रुपये और नकल सामग्री सोने की अंगूठी व लॉकेट आदि वस्तुएं बरामद की गई हैं। छापे के समय ये सभी वहां आयोजित उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ भर्ती परीक्षा में भाग ले रहे थे। बीते काफी समय से केंद्र सरकार और बीजेपी की खिलाफत कर रही शिवसेना आगामी वक्त में पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब तक महाराष्ट्र में सियासत करने वाली शिवसेना ने अब कुछ सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर यूपी में संगठन विस्तार पर काम करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि शिवसेना जल्द ही इस संबंध में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सक्रिय स्लीपर मॉड्यूल्स गणतंत्र दिवस और कुंभ मेले के दौरान ट्रेन में विस्फोट की साजिश रच रहे हैं। इसका पर्दाफाश एनआईए की पूछताछ में बीते दिनों अमरोहा समेत अन्य जिलों से पकड़े गए स्लीपर मॉड्यूल ने किया। आतंकियों के मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर खुफिया एजेंसियों ने पूरे देश में सतर्कता बढ़ा दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी एलोपैथ के मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए एक अलग से चिकित्सा विश्वविद्यालय दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लखनऊ में स्थापित करने जा रही है। ये काम अंतिम चरण में है। योगी ने कहा कि हमने प्रदेश में अलग से एक आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाने के लिए भी योजना बनाई है, जिसके लिए इस बार बजट में प्रावधान करेंगे। ताज नगरी आगरा में लोकसभा चुनाव के पहले चूर्ण की पैकेट पर मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह का फोटो लगाकर बेचा जा रहा है। ये चुनावी प्रचार प्रसार है या फिर कंपनी को चमकाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा? फिलहाल भाजपा इस मामले को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि एक कंपनी अपने ब्रांड को चमकाने के लिए प्रधानमंत्री के नाम का सहारा ले रही है। अब इस कंपनी के खिलाफ भाजपा मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है। दरअसल आगरा के बाजार में भारत प्रोडक्ट का बनाया गया चूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है। सहायक शिक्षक के लिए करीब 69,000 पदों की भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी। फिलहाल इसका परिणाम 28 जनवरी तक घोषित नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम पर 28 जनवरी तक रोक लगा दी है। 6 जनवरी 2019 को 69,000 पदों के लिए हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 22 जनवरी को घोषित किया जाना था। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती के परीक्षा क्वालिफाइंग मार्क्स को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष चुनौती भी दी गई है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बने रहें आप हमारे साथ। हल्ला शोरगुल वाली खबरों से दूर रहने के लिए हमारा चैनल ग्रामीण न्यूज सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।